अस्सलामुअलैकुम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेमाटोड का थर्ड पार्ट, आस्कारस। इससे पहले हम दो को कंप्लीट कर चुके हैं, आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब स्कारस की बात करें तो दिस इज़ द लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स। हमने 6 इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स पढ़े, उसमें से सबसे बड़ा ये है और इसी वजह से इसे जॉइंट राउंड वर्म भी बोलते हैं। इसका साइज ऑलमोस्ट मोर देन 25 सेंटीमीटर होता है। This that is why this is known as giant roundworm. अब ये disease कौन सी cause करवा रहा होता है? Basically ये disease cause करवाता है ascariasis. अब इसकी लाइफ साइकिल की बात करें कि ये डिजीज़ होगी कैसे पेशेंट को, ये ऐसे होगी कि बेसिकली ह्यूमंस आर इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग वर्म्स। सेम यहाँ पर भी जिस तरह ट्राइक्यूरिस में हमने पढ़ा था कि वर्म्स को इंजेस्ट करते हैं इन फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद फीसेस। अब जब ये हमारे पास इंजेस्ट हो गए और वर्म एग अंदर आ गए तो उसमें क्या होगा कि एग विल हैच आउट in small intestine and the larva migrate through gut wall into the blood। कि जो हमारे पास यहाँ पे लार्वा बने, लास्ट टाइम क्या हो रहा था, लार्वा कन्वर्ट हो रहा था पिछले वालों में एडल्ट वर्म में, मगर यहाँ पे क्या हुआ, ये लार्वा गट वॉल के थ्रू एंटर कर जाएगा इनटू द ब्लड। अब ये इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये ब्लड में गया, ब्लड से इट विल एंटर्स इनटू द लंग्स, देन एल्वियोलाई, देन ब्रोंकाई, देन ट्रेकिया एंड देन इट विल बी सॉल्वड। फिर ऊपर से ये दोबारा से हमारे पास ओरल कैविटी में जाके फिर से सॉल्व करेंगे, इसे एंटर करेंगे इनटू द इसोफेगस और उससे होते होते ये दोबारा से अब इंटेस्टीन में आ जाएगा। लार्वा दोबारा से इंटेस्टीन में आया ये पूरा प्रोसेस करके, इन द स्मॉल इंटेस्टीन दे बिकम एडल्ट। स्मॉल इंटेस्टीन में ये एडल्ट बन जाते हैं और इनमें एक और बात ये भी है कि दीज विल लिव इन ल्यूमन। स्मॉल इंटेस्टीन के ल्यूमन में रहते हैं, किसी गट की वॉल से अटैच नहीं होते। जो हमने ट्राइक्यूरस में पीछे पढ़ा था कि वो अपनी प्लक्स के ज़रिए अटैच्ड हो जाते हैं, ये नहीं होते अटैच, ये ल्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास इट विल फर्दर मूव इन टू द जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एडल्ट बने हैं, ये फर्दर ले करेंगे थाउजेंड ऑफ एग्स लीड डेली और ये एग्स पास्ड होंगे इन फीसेस। अब ये जो फीसेस में गए, ये हमारे पास डेवलप्ड होंगे इनटू द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियोजेनेटेड एग्स कहाँ बनेंगे, क्योंकि फीसेस में गए, फीसेस से ये कहाँ जाएंगे, इन वार्म मॉइस्ट सॉइल। अब ये वार्म मॉइस्ट सॉइल में ये एम्ब्रियोजेनेटेड एग्स बन गए और ये अब दोबारा से क्या होगा कि ये हमारे पास इंजेस्ट होंगे बाय द ह्यूमंस और फिर से ये साइकिल रिपीट होगी। अब बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये कि ascaris larva migrating through lungs causes eosinophilic pneumonia, जिसमें हमारे पास जिसका दूसरा नाम है Loeffler's syndrome। तो बेसिकली इसकी जो लार्वल स्टेज है वो ज़्यादा अफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो इसमें होता क्या है कि एस्कारस जब हमारे पास लंग से पास हो रहा था लाइफ साइकिल में, जो मैंने बताया था, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होता है, इओजिनोफेलिक निमोनिया हो रहा होता है। अब ये निमोनिया प्रेजेंट कैसे करता है कि पेशेंट कहता है कि उसे फीवर हो रहा है, मलेज हो रहा है, कफ
और जो इसकी माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन जब देखेंगे तो इयूजिनोफिलिया मिलेगा। अब इन सब के साथ साथ क्योंकि हमारे पास एब्डोमेन में भी इंटेस्टीन में एडल्ट वर्म्स की प्रेजेंस होती है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा होता है, एब्डोमिनल पेन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वर्म्स इन इंटेस्टीन। अब इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करते हैं। ओवल एग विद इररेगुलर सरफेस फाउंड इन स्टूल। स्टूल में हमारे पास ये मिलेंगे कि ओवल एग्स प्रेजेंट होंगे, ओवल एग्स प्रेजेंट होंगे इन दिस स्टूल। और जो पेशेंट है वो हमें बताएगा कि उसके जो स्टूल हैं उसके अंदर स्टूल कंसिस्ट ऑफ एडल्ट वर्म्स। पेशेंट हमें बताएगा कि उसके स्टूल में वर्म्स आ रहे हैं। अब मैं इसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिखाती हूँ आपको। अब ये हम माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं कि ये ओवल शेप्ड एग है, ये हमारे पास एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड्स प्रेजेंट है। ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें हम इन्हें देते हैं अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल एंड आइवरमेक्टिन। ये तीन ड्रग्स का कॉम्बिनेशन इन्हें देंगे। जबकि प्रिवेंशन की बात करें तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था सेम वैसा ही कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसेस कैन प्रिवेंट इट। अब यहाँ तक हमने एस्कैरिस को इन डिटेल पढ़ लिया लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के साथ।